सर, जो आज आपने चिल्ली पाई और कंडेली का दौरा किया, तो उसमें क्या आपने देखा, क्या पाया, कितना लॉस है लोगों का? हमारी ना सारी टीम आई थी, रेवेन्यू की तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, हमारे इरीगेशन के जेईज वगैरह थे। तो हमने देखा कि ये जो लोअर साइड में कंडोली में जो लैंड स्लाइड जैसी शक्ल इख्तियार की है ज़मीन ने, तो उसमें 6 घर जो है सेवरली डैमेज हो गए हैं। उनके लिए हमने टेंटेज का बंदोबस्त किया हुआ है, उनको सेफर लोकेशन पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। और जो बाकी वाले लोग जो एडजॉइनिंग एरियाज़ में हैं, उनमें भी क्रैक्स डेवलप हुए हैं, तो उसके लिए हमने इरीगेशन फ्लड कंट्रोल से टेकअप किया हुआ है। वो जो एक प्रॉपर DPR उसका बनाएंगे और उसमें जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन बांध लगाने की कोशिश की जाएगी। सर, तो जो घर बिल्कुल डैमेज हो गए, तो उनको कहीं आपने शिफ्ट करने का क्या? हाँ, उसके लिए प्रॉपर हमने टेंटेज दी हुई है, उनको शिफ्ट करेंगे, या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में करेंगे, और जहाँ पे हमने टेंट भी दिए हैं तो उनको वहाँ पे लगा कर उनको हम रिहैबिलिटेट करेंगे। तब तक दूसरा उनको हमने उनके रिलीफ केसेस भी प्रोसेस किए हुए हैं। सर, जो इनका रिलीफ है कब तक आ सकता है, क्या? हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम कोशिश में हैं कि जल्द अज जल्द आ जाए, और इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम कोशिश वार्डिंग बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो होपफुली बहुत जल्दी हम उनको कंपनसेट करेंगे रिलीफ केसेस। तो सर, एक बात हमें और बताइए, जो बाकी के पूरा वो एरिया जो है वो उसमें स्लाइडिंग में जा रहा है, तो बाकी वालों के लिए क्या आप? उनके लिए अभी ना उनमें वो मेजर क्रैक्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसके लिए हमने जो DPR वगैरह बनवाना है, तो हम सारे एरिया को कवर करेंगे ताकि वो निचली साइड जो प्रोटेक्शन बंच लग जाए तो अपर एरिया जो है सेफ हो जाएगा उससे। शुक्रिया सर, थैंक यू।